गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी में सार्थक और निरर्थक शब्द का अर्थ जानेंगे। कुछ हिंदी में ऐसी भाषाएं होती हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं और उसके साथ में लगा के, यहाँ का प्रचलन कुछ ऐसा है, उसके साथ में लगा के एक और वर्ड बोलते हैं और उस वर्ड का उसके तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन लगाने का लगता है और कई बार तो बुक्स में भी देखा गया है। तो यह है अर्थ के आधार पर हमने शब्द को दो भेद हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, है ना। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिनकी कोई वैल्यू होती है, अर्थ होता है, जैसे गाय, और गाय के साथ में हम क्या लगाते हैं, है ना, और खुरपी। ये खुरपी जिससे हम पौधे लगाते हैं और खोदते हैं उसको खुरपी कहते हैं, और गाय तो गाय माता है जो दूध देती है। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे गाय के साथ में वाय, गाय वाय, खुरपी उड़पी, ना, इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये शब्द साथ में रख के अक्सर बोलते हैं लोग या बोले जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी 10 शब्द बनाने हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कि जिनका कोई अर्थ है और जो निरर्थक है, और उनको बोलना है और आपको समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।